आज हम जानेंगे कि हम होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं। कई वर्ष पहले एक क्रूर राजा रहता था, उसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त किया कि हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि ना अंदर ना बाहर, ना जमीन पर ना आसमान में, ना इंसान ना जानवर मुझे मार सके। ये वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप अपने राज्य के सामने ये घोषणा की कि आज से सिर्फ मेरी ही पूजा की जाएगी, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, मैं अतिरिक्त कोई भी तुम्हारा भगवान नहीं है और मैं ही तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, इसलिए आज से मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। कोई भी इस मेरे बजाय किसी और भगवान की पूजा की तो उसको मैं सख्त से दंड दूंगा। यह बात सुन के सभी प्रजा के लोगों के दिल में एक बहुत डर बस गया। कुछ दिनों के बाद राज्य को उनका बहुत मेरी को क्या राज्य को अपना राजकुमार मिल गया। हिरण्यकश्यप के घर एक नन्ना राजकुमार आया। जब वो बड़ा हो गया तो वो ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त बन गया। हर वक्त उसको ब्रह्मा ही दिमाग में सूझते थे। मुश्किल के समय, खुशी के समय, हर वक्त ब्रह्मा ही उसको याद रहते थे। यह बात हिरण्यकश्यप को जल्द ही पता लग गई तो वह बड़ा गुस्सा हो गया और उसने प्रहलाद को हिरण्यकश्यप को पता लग गई तो उसने प्रहलाद को क्रोध होके कहा कि सारी प्रजा मुझे ही अपना भगवान समझते हैं तो तुम्हें भी मुझे ही अपना भगवान समझ जाऊंगा। अपने मुख से ब्रह्मा का नाम भूल जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुन के प्रहलाद ने कहा, इस पूरे संसार को सिर्फ एक भगवान, हे पिताजी, इस पूरे संसार को सिर्फ एक भगवान नहीं बनाया है, वो है ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा। उसका सत्ता कोई भी नहीं ले सकता, आप भी नहीं ले सकते। सोचा और उसने ये निर्णय लिया कि हिरण्यकश्यप ने बहुत योजनाएं कोशिश की पर ये कोई भी योजना उसको कुछ भी नहीं बिगाड़, क्योंकि ब्रह्मा उसके साथ था। फिर हिरण्यकश्यप की बहन आई और उसका नाम था होलिका। होलिका को एक ब्रह्मा से एक वरदान मिला था कि उसके पास जो चुन्नी थी उसको ओढ़ के अगर वो आग में जाए तो आग उसको जला नहीं सकती। यह वरदान को प्राप्त यह वरदान जानकर हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि अपनी योजना के साथ होलिका ने प्रहलाद को अगले दिन ही अपने गोद में बैठाकर एक लकड़ों के ऊपर बैठ गई और चुन्नी अपनी ओढ़ ली और नीचे से सिपाही ने आग लगा दी। हवा उस दिन तेज थी, इसी कारण जो चुन्नी होलिका ने ओढ़ी थी वो उड़ के प्रहलाद के ऊपर गिर गई और होलिका आग से भस्म हो गई और प्रहलाद जीवित बच गया। फिर ब्रह्मा ने एक रूप लिया जिसमें वो आधे इंसान और आधे जानवर थे और हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेकर मार डाला। इसीलिए हम होली का त्यौहार मनाते हैं। आप सबको हैप्पी होली। Happy Holi.
आज हम जानेंगे कि हम होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं। कई वर्ष पहले एक क्रूर राजा रहता था, उसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त किया कि हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि ना अंदर ना बाहर, ना जमीन पर ना आसमान में, ना इंसान ना इंसान ना जानवर मुझे मार सके। ये वरदान प्राप्त करने के बाद
आज हम जानेंगे कि हम होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं। कई वर्ष पहले एक क्रूर राजा रहता था, उसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त किया कि हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि ना अंदर ना बाहर, ना जमीन पर ना आसमान में, ना इंसान ना जानवर मुझे मार सके। ये वरदान प्राप्त करने के बाद